हेलो एवरीबॉडी, पढ़ते हैं एनसीईआरटी के एमसीक्यू। तो क्लास एट के दो हिस्ट्री के दो पुस्तक पार्ट वन और पार्ट टू। तो पार्ट वन के एमसीक्यू डिस्कशन किए जा चुके हैं और यह बुक का दूसरा पार्ट यानी कि दूसरा लेसन। तो पहला क्वेश्चन है, शिक्षा में प्राचार्य वचनामृत तत्वों पर विचार कीजिए। तो प्राचार्यवादी मानते थे कि अंग्रेजों को ज्ञान की बजाय भारतीय ज्ञान को ही प्रोत्साहन देना चाहिए। तो बात सही है। विलियम जोन्स, हैरी टॉमस कौन ब्रुक प्रचारवादी थे, ये भी सही है। वाइनस्टीन प्रचारवादियों को घोर विरोधी थे, तो ये भी सही है। प्रचारवादी आधार पर कलकत्ता में एक मदरसे तथा नारायण हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। तो चार गलत लग रहा है, सब सही है। ठीक है, सॉरी, चार सही था। ओके सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ मैगटेंस से संबंधित नहीं है। तो वाइनस्टीन नहीं है। ठीक है, तो ये सही जवाब है। विरोध पश्चिमी शिक्षा का समर्थन के संदर्भ में कथनों में कौन सा सही है। तो प्रचारवादी दृष्टि मानते थे पूर्वी समाजों का ज्ञान त्रुटियों से भरा हुआ और अवैज्ञानिक है। प्रचारवादी का विरोध करने वाले में जेम्स मिल्स बेबिंगटन मैकाले प्रमुख सही है। प्रचारवादी मानते थे कि शिक्षा देश की जनता को खुश करने के लिए बल्कि उपयोगी और व्यवहारिक ज्ञान के लिए दी जानी चाहिए, ये सही है। तो सही क्वेश्चन, तो मुझे दो तीन सही है। ठीक है, पहला यूरोपीय पुस्तक का लिखाना भारत और अरब के समुचे देशी साथी के बराबर है, यह कथन लिखने में से किसका है। तो ये है हमारे विलियम जोन्स का है, सॉरी थॉमस बेबिंगटन मैकाले का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। तो इस बात पर जोर दिया गया कि भारत में शिक्षा का मार्ग होना चाहिए, सही है। इस पर दिया गया कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीय के नए क्षेत्र का उत्थान होगा और इंग्लैंड कंपनी के प्रति अधिक सत्यवादी मंदार बनेंगे। तो दस्तावेजों को व्यवसाय को बढ़ाने के लिए शिक्षा देने का तीनों सही है। तीनों एक नंबर गलत था। क्वेश्चन, 19वीं सदी में भारतीय शिक्षा और कंपनी के संदर्भ में कथन से कौन सही है। तो भारत में सक्रिय स्थायी प्रचारकों ने व्यापारिक शिक्षा क्षेत्र को विरोध किया, सही है। कंपनी ने देशी स्कूलों में शिक्षा की प्रगति पर रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा विलियम एडम को दिया, सही है। और 1854 के बाद कंपनी ने देशी शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने का प्रयास किया, तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वीं शताब्दी में भारतीय चिकित्सकों को शिक्षा के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। तो महात्मा गांधी पश्चिम से विरुद्ध थे परंतु रविन्द्र टैगोर, तो ये दोनों सही लग रहा है मेरे को, सॉरी ना तो एक ना ही दो, सॉरी मैंने सवाल पर ध्यान नहीं दिया। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।